गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज की एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं इसके टाइटल के साथ जो कि है द इनविजिबल टैक्स। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बर्निंग टॉपिक है आजकल का, यानी ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का। और वो मुद्दा क्या है? महंगाई। लेकिन महंगाई के साथ साथ तो महंगाई को क्रिएट करने वाला, इसकी ओरिजिन कहाँ से है, उसकी बात करना ज़रूरी है। जैसे आपने कई न्यूज़ चैनल्स या पेपर्स में पढ़े होंगे कि जैसे पेट्रोल के दाम की बात करें तो ये 32 से 35 रुपीज़ पर लीटर ये आता है। इसमें से गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स लगाती है, उसके बाद जो बिहार गवर्नमेंट है वो कुछ टैक्स लगाती है, और दोनों के टैक्स लगाने के कारण क्या हो जाता है कि इसका दाम आज 100+ हो चुका है, 100 से भी ऊपर पार जा चुका है। तो हम जो कमोडिटीज़ खरीदते हैं, सामान जो खरीदते हैं मार्केट से, उस पर हिडन, छुपा हुआ कई ऐसे टैक्स लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से वो महंगा हम लोगों को मिल पाता है। इसकी चर्चा है इस एडिटोरियल में, जो टैक्स है लेकिन इनविजिबल है, जो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता है कि कितना चीज़ों पे कितना टैक्स लगने की वजह से इतना हो गया। कभी होटल वगैरह में जाओ, कभी आपको इनवॉइस लो, तब पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पर आपको कितना GST देना पड़ गया, कितना टैक्स लग गया, कितना क्या लग गया, कितना सेस लग गया। इन सब चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि हाँ, हम लोग जो अगर वास्तविक प्राइस की बात करें तो कम रहता है, लेकिन टैक्स लग जाने की वजह से उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी के बारे में इस एडिटोरियल में बात होने वाली है। क्या लिखा हुआ है? ऑन होप्स। ये क्या बात करेगा? ऑन होप्स। होप्स का मतलब क्या होता है? आशा, अनुमान। ऑफ अ स्मूथ रिबाउंड। रिबाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंस बैक, रिकवरी कह सकते हो, बाउंस बैक या रिकवरी कह सकते हो। ये आशा की जा रही है कि स्मूथ रिकवरी होगी। किसमें? इकोनॉमी में। कहाँ की इकोनॉमी? भारत की इकोनॉमी की बात हो रही है। कैसे रिकवरी होगी, क्या होगी, आगे बात करते हैं। इमर्जेंट का मतलब होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जो अभी ज़रूरत है। ठीक है, एक्शन इज नीडेड, यानी प्रॉम्प्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। टू रेन इन, रेन इन का मतलब होता है टू कंट्रोल, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, किसको कम करने के लिए, यानी इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। इन्फ्लेशन क्या होता है हिंदी में? महंगाई बोलते हैं, यानी जब कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाए तो उसको बोला जाता है क्या? इन्फ्लेशन, जिसको और बोल सकते हैं मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति क्या होता है कि जब आप ज़्यादा पैसा लेकर के जाते हो, ज़्यादा पैसा और कम आपको उसके बदले में सामान मिलता है, तो समझ जाना कि इन्फ्लेशन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। तो कहा जाए कि इमरजेंट मतलब प्रॉम्प्ट, यानी त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है। क्या करने के लिए? रेन इन मतलब कंट्रोल करने के लिए। किसको? इन्फ्लेशन को। एज, क्योंकि पीपल फेस कर रहे हैं क्या? इनकम लॉसेस, कम इनकम हो पा रही है लोगों की, और मेडिकल कॉस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि एक त्वरित कार्रवाई करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, कि ताकि इस महंगाई को, मुद्रास्फीति को रेन इन किया जा सके, यानी कंट्रोल किया जा सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। द पैंडेमिक्स सेकेंड वेव मे हैव सबसाइडेड। पैंडेमिक का जो दूसरा वेव है वो थोड़ा सा सबसाइडेड। सबसाइड का मतलब क्या हुआ? कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। बट लेकिन होप्स ऑफ, जो आशा है किस चीज़ की? स्मूथ रिबाउंड, स्मूथ रिकवरी की इन द इकोनॉमी। कहाँ? इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में। इन टेंडम विथ का मतलब के साथ साथ। ईजिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे उसमें कमी। ईज का मतलब क्या होता है? कमी। रिमेन मडल्ड, ए रिमेन मतलब है बना हुआ, मडल्ड का मतलब होता है अनक्लियर। ठीक है, समझते हैं। कह रहा है कि जो पैंडेमिक का सेकेंड वेव है वो क्या होता हो गया है? थोड़ा कम हो गया, रिड्यूस हो गया है, और आशा की जा रही है स्मूथ रिबाउंड इन इकोनॉमी की, मतलब अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा क्या होगी, रिकवरी की आशा की जा रही है। क्यों ऐसा आशा की जा रही है? इन टेंडम विथ के साथ, किसके साथ? जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे उसमें क्या आ रही है? कमी आ रही है। इसके साथ आशा की जा रही है कि थोड़ा सा रिकवरी होगी इकोनॉमी में। लेकिन ये जो रिकवरी है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो अनक्लियर है, मडल्ड है, मतलब कितना क्या होगा अभी क्लियर नहीं है।
अस्पष्ट दिख रहा है। विथ द इन्फ्लेशन नंबर्स फॉर मे कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, यानी ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इन्फ्लेशन का नंबर्स है, जो आंकड़ा आ रहा है, नंबर्स यहाँ पे आंकड़ा के लिए आ रहा है, फॉर मे मई महीने के लिए, कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम, कंपाउंडिंग द प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पे क्या है, जो प्रॉब्लम को और भी क्या कर दे रहा है, वो गंभीर कर दे रहा है, कंपाउंड कर दे रहा है, वर्सन कर दे रहा है। इसके लिए अगर लिखना है तो WORSEN लिख लेना, ख़राब कर दे रहा है प्रॉब्लम को। जो अभी आंकड़े आ रहे हैं इन्फ्लेशन के, वो सारे चीज़ों पे पानी फेर दे रहा है, ऐसा कह सकते हो। द सोरिंग प्राइस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, सोरिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीज करता हुआ, ठीक है। राइजिंग ही प्राइसेस कहा जाता है, यानी जो आसमान छूता हुआ प्राइसेस है, ऐसा समझ लो। किस में? बोथ रिटेल एंड होलसेल में। इन द मंथ दैट सॉ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन, उस मंथ में जब पूरा मंथ हम लोगों ने देखा एक वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक पैमाने पे लॉकडाउन, लाइक रेस्ट्रिक्शंस, यानी लॉकडाउन जैसा रेस्ट्रिक्शन बड़े पैमाने पर जब देखा, हैज़ कम एज अ नेगेटिव सरप्राइज, इसका जो परिणाम आया है सामने वो एक नेगेटिव सरप्राइज के रूप में आया है, ठीक है। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, देखिए इन्फ्लेशन को मेज़र करने का पैमाना एक होता है होलसेल प्राइस, एक होता है रिटेल प्राइस, समझ लीजिए रिटेल प्राइस। तो रिटेल प्राइस क्या होता है कि जैसे पहले तो होलसेल समझ लो, तो होलसेल का मतलब थोक महंगाई। थोक महंगाई का मतलब क्या होता है कि जब एक कंपनी के दरवाजे से निकली, तो जिस दाम पे जब कोई भी कंपनी है उसके दरवाजे पे से जब ये निकलती है तो एक थोक भाव में निकलती है यहाँ से, और अलग अलग बिजनेसेस को क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है ना। तो यहाँ से जो प्राइस हुआ, यानी कंपनी का जो प्राइस हुआ, वो होलसेल प्राइस हुआ यहाँ से, और ये बाकी अलग अलग बिजनेसेस में ट्रांसफ़र होता गया तो रिटेल प्राइस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर कस्टमर के पास जाएगा तो उसका ये अलग होगा, सब रिटेल में आएंगे। यानी कंपनी के गेट पे जो प्राइस होता है, शॉर्ट में कहो वो होलसेल प्राइस कह लो, यानी थोक बिक्री थोक हो गया, और यहाँ पे रिटेल की बात हो रही है। तो यहाँ पे आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, समझिए क्या कहा गया। इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स, अगर हम लोग इन्फ्लेशन देखें, महंगाई देखें, थोक मुद्रा सूचकांक के अनुसार, थोक महंगाई सूचकांक के अनुसार, इज़ रिकॉर्ड टू, रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, इसको कैलकुलेटेड किया गया है, टू हैव हिट अ 25 ईयर रिकॉर्ड ऑफ नियरली 13%। इसने क्या कर दिया है कि तो 25 सालों का ये रिकॉर्ड पार कर गया है, लगभग कितना है, 13%, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स इस बार का 13% है। वाइल रिटेल इन्फ्लेशन टच्ड अ 6 month हाई, जबकि ये जो रिटेल प्राइस की बात अगर करें तो 6 महीना का अपना ऊपरी स्तर पे पहुंच गया है, डेट इज़ 6.3%। वाइल रन अवे फ्यूल प्राइसेस, जो तेज़ी से बढ़ता हुआ, रन अवे का मतलब तो इंक्रीज़ क्विकली, लिख लीजिएगा, रन अवे मतलब टू इंक्रीज़ क्विकली, जो तेज़ी से बढ़ता हुआ फ्यूल के प्राइसेस हैं, दाम हैं, दैट इंक्लूड हाई एक्साइज ड्यूटीज़, मैंने बताया कि इसमें क्या शामिल है, हाई एक्साइज ड्यूटी, मतलब एक्साइज ड्यूटीज किसको बोलते हैं, सीमा शुल्क, एंड टैक्सेस, इस पे जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, वर, ये दोनों क्या हैं, एक महत्वपूर्ण की फैक्टर, मतलब महत्वपूर्ण कारक हैं, इन ड्राइविंग अप, ड्राइव अप का मतलब होता है इंक्रीज, बोथ द इन्फ्लेशन इंडेक्सेस, इंडेसेस हुआ इंडेक्स का प्लूरल, याद रखिएगा इंडेक्स का प्लूरल क्या होता है, इंडेसेस। तो जो दोनों के आंकड़े को बढ़ाने में सबसे बड़ा कारण क्या है, फ्यूल के प्राइस का बढ़ जाना। जैसे फ्यूल के प्राइस बढ़ता है तो सब चीज़ों पे इसका असर होता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी असर होगा, कंपनी में भी फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए, जो मशीन वगैरह चलाने के लिए, तो वहाँ भी उसके प्राइस में बढ़ेंगे, तो होलसेल प्राइस बढ़ेगा, तो रिटेल प्राइस, जब कंपनी से महंगा सामान हम लोगों को मिलेगा तो महंगा हम लोगों को वस्तु रिटेल में मिलेगा, उसके साथ ही अगर पेट्रोल वगैरह के दाम बढ़ा दिया जाए तो इसका व्यापक प्रभाव उन पर भी पड़ता है। तो जो प्राइस में वृद्धि हो रही है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दे वर नॉट द ओनली वंस एट वर्क, एट वर्क का मतलब क्या होता है, इन एक्शन, ये केवल एक ही कारण नहीं है जो एक्शन में है। रिटेल इन्फ्लेशन इन फूड हिट अ 6 month हाई ऑफ 5%, केवल उधर नहीं, इधर भी देखो, रिटेल इन्फ्लेशन अगर फूड की बात करें
ये कहाँ तक पहुँच गया है, 6 मंथ हाई, 6 महीने के अपने ऊपरी स्तर में पहुँच गया है, और वो है 5% फ्रॉम बेयरली 2% इन अप्रैल। अप्रैल में केवल 2% था, लेकिन अब 3% बढ़ गया, 5% हो गया। वहीं अगर बात करें विथ फल से, जो दाल की बात करें, एग्स की बात करें, एज वेल एज एडिबल ऑयल्स की बात करें, लीडिंग द सर्च, ये लोग भी क्या है अपने ऊंचाई तक पर चला जा रहा है, लीड कर रहा है ऊंचाई की ओर। सर्च का मतलब क्या होता है, इंक्रीज कह लो, तेज़ी कह लो, यानी तेज़ी से ऊपर जा रहा है। यानी दाल के दाम की बात कर लें, अंडों के दाम की बात करें, या फिर खाने वाले तेल की बात करें, ये अपने ऊंचे स्तर पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं। फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन, फ्यूल एंड लाइट इन्फ्लेशन हिट कितना, 11.6%, ये सारे आंकड़े दिए हुए हैं, द हाइएस्ट इन ओवर 9 ईयर्स, जो कि साल 9 महीने में सबसे ऊंची स्तर पे है। ईयर्स है मतलब 9 ईयर्स में, मतलब 9 साल में सबसे ऊपरी स्तर पे है। एंड नो रिस्पाइट इज इन साइट, रिस्पाइट का मतलब यहाँ पे समझ लो कि राहत या रेस्ट, मतलब इसमें कोई हॉल्ट आने की ज़रूरत नहीं है, आने की गुंजाइश नहीं है। एंड नो रिस्पाइट इन साइट, इन साइट का मतलब क्या, ऐसा नहीं दिख रहा है कि जल्द ही इसमें कोई राहत या फिर कुछ रुकावट या फिर कुछ हॉल्ट की गुंजाइश है इस फ्रंट पे, मतलब इस मामले में। एज पंप प्राइसेस फॉर पेट्रोल रेस्ट पास्ट 100, क्योंकि जो पंप प्राइस यानी जिस दाम पे कस्टमर को अवेलेबल होता है वो पंप प्राइस कहलाता है, जो जिस दाम पे कस्टमर ख़रीदता है पेट्रोल को पंप प्राइस, और उसमें दाम जो है 100 से पार कर गए हैं। रेस्ड पास्ट मतलब क्या, 100 को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। और अ लीटर इन इवन मोर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ज़्यादातर देश के जो भागों में 100 से भी पार कर गया है दिस मंथ, इस महीने में, ठीक है। तो इस तरह से फ्यूल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। डीजल हैज़ ऑल्सो क्रॉस द सेंचुरी मार्क इन राजस्थान श्री गंगानगर, और डीजल की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान के एक श्री गंगानगर है, वहाँ पे 100 के मार्क को भी पार कर गया है। वेयर, जहाँ फ्रेट, फ्रेट कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए, तो फ्रेट कॉस्ट मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एडअप मतलब इंक्लूड करता है उसमें। ऑन टॉप ऑफ अ स्टेट, ऑन टॉप ऑफ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑन टॉप का मतलब हुआ कि इन एडिशन, इसके साथ साथ क्या, स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस। वाह अरे वाह, देखो कितना लंबा चौड़ा इसमें टैक्स लगा दिया गया है। सोचो कि डीजल हैज़ क्रॉस्ड सेंचुरी मार्क, राजस्थान के अगर श्री गंगानगर की बात करें, जहाँ पे फ्राइट कॉस्ट जो है इसमें जोड़ दिया गया है, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जोड़ा हुआ है, और ऑन टॉप ऑफ लिख लीजिएगा ये फ्रेज, ऑन टॉप ऑफ का मतलब होता है, ऑन टॉप ऑफ इसका मतलब होता है बिसाइड्स के अलावे या इन एडिशन टू कह सकते हो, इसके साथ साथ। तो एक तो फ्रेट का जो कॉस्ट है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है इसमें जोड़ दिया गया है, और इसके अलावे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेज हैं वो भी इस पर लाद दिया गया है। सोचो जिसकी वजह से इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, कोर इन्फ्लेशन हैज़ क्रॉस्ड द 6% मार्क्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 31 मंथ्स एंड इज एस्टिमेटेड एट 6.6%। कहा जा रहा है कि अगर इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, अगर डिस्काउंट अगर देना भी चाहे फूड और फ्यूल प्राइसेस में, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन जो है इस, ये भी अब कोर इन्फ्लेशन समझोगे तभी ना आगे समझ में आएगा। एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन, एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जैसे ये टोटल जो इकोनॉमी है, ठीक है, एक तरह का एक पैमाना है, तो एक किसी भी इकोनॉमी के अंतर्गत जो इन्फ्लेशन होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो इन्फ्लेशन है उसको मेज़र करने का, यानी एक मेज़रमेंट है, एक माप है। कोर इन्फ्लेशन क्या है, तो किसी भी इकोनॉमी में मतलब अर्थव्यवस्था में जो टोटल इन्फ्लेशन है उसको, उसकी माप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। जिसमें क्या शामिल नहीं है, ध्यान दो, इसमें शामिल क्या नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं रहेंगे कमोडिटीज़ सच एज
फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। इसमें फूड और एनर्जी प्राइसेस शामिल नहीं होते हैं। कोर इन्फ्लेशन ये आता रहता है एग्ज़ाम में, तो कोर इन्फ्लेशन में ये क्या है, मेज़र ऑफ टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी। फिर से समझिए, मेज़र ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी एक्सक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस। एक्सक्लूडिंग मतलब उसमें वो शामिल नहीं है। वहीं अगर रिटेल की बात करें तो उसमें उसका भी डेफिनेशन यही है कि टोटल मेज़र ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग, उसमें क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग। कोर इन्फ्लेशन में एक्सक्लूडिंग छोड़ करके, किसको छोड़ करके, फूड और फ्यूल की प्राइसेस को छोड़ करके, और रिटेल में क्या आ जाता है, उसमें शामिल रहता है। ठीक है, तो ऊपर में रिटेल की बात हो रही थी जिसमें आप फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस की बात कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि इवन इफ वन वर टू डिस्काउंट फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, अगर फूड और फ्यूल में यानी रिटेल महंगाई में कुछ कमी भी कर दें रिटेल इन्फ्लेशन में, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी तो पीछे नहीं है। कोर इन्फ्लेशन भी पहुंच गया 6% मार्क पे, और ऐसा लग रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मंथ्स एंड एस्टिमेट किया जा रहा है कि 6.6% हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से नहीं आया। दो बातें हो गई, एक हो गया रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा हो गया कोर इन्फ्लेशन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि मेजर ऑफ द टोटल इन्फ्लेशन विद इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी, यानी टोटल इन्फ्लेशन की गणना हम लोग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में, जिसमें क्या शामिल होता है, फूड और एनर्जी प्राइसेस, तो रिटेल इन्फ्लेशन है। अगर फूड और एनर्जी प्राइसेस नहीं है इसमें शामिल, तो कोर इन्फ्लेशन है। तो रिटेल प्राइस का इसमें कहा गया कि रिटेल इन्फ्लेशन को तो कम किया जा सकता है अगर डिस्काउंट वगैरह दे करके, थोड़ा सा फ्यूल प्राइस में कमी ला करके, बट कोर इन्फ्लेशन भी तो है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है। 31 महीने के सबसे उछली स्तर पे पहुंचा हुआ है 6% पे, और ऐसा लग रहा है कि 6.6% पे चला जाएगा। क्लियर, अब आते हैं आगे, देखते हैं क्या है, इसको ध्यान से समझना है, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिंग टू द अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट ऑफ 4.3%, रिएक्शन देते हुए किस पर, जो अप्रैल का रिटेल इन्फ्लेशन प्रिंट आया है, प्रिंट का मतलब जो आंकड़ा आया है 4.3% का, आफ्टर एवरेजिंग अ स्टीप 6.2, और इसमें कितनी कमी आई है, स्टीप मतलब नीचे जाना होता है, स्टीप लो कह सकते हो, तो इसमें कितनी कमी आई है 6.2 थ्रू 2020 और 21 के दौरान। ठीक है, द आरबीआई गवर्नर हैड, द आरबीआई रिटेल इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, द आरबीआई गवर्नर हैड रिमार्क्ड, आरबीआई के गवर्नर ने एक टिप्पणी की थी अर्लियर, पहले दिस मंथ, इस मंथ के पहले, दैट इट ब्राउट सम रिलीफ एंड एल्बो रूम फॉर स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। आरबीआई के गवर्नर ने क्या टिप्पणी की थी कि इट ब्राउट सम रिलीफ, ये कुछ रिलीफ लाया है, एंड एल्बो रूम किसको बोलते हैं, जहाँ पे आप कुछ पॉलिसी का निर्माण, स्कोप कह लो, इसको हटा करके क्या लिख सकते हो, स्कोप। यहाँ पे उन्होंने कहा कि स्कोप है फॉर स्टिकिंग विथ ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी। स्टिक का मतलब होता है चिपकना, यानी उसके साथ जाना, यहाँ कह सकते हो, ग्रोथ से रिलेटेड सपोर्टिव पॉलिसी बना करके इसमें थोड़ा सा रिलीफ पाया जा सकता है, लाया जा सकता है, उन्होंने कहा कि कुछ स्कोप है। और आगे क्या है, इफ़ एनीथिंग, अगर कुछ है तो मेज इन्फ्लेशन प्रिंट्स लीव नो सच रूम। तो जो मे का इन्फ्लेशन आया, उसका जो आंकड़ा आया, उसने ऐसा कोई भी जो रूम है, रूम का मतलब स्कोप, नहीं छोड़ा है, किसके लिए, मैनेवर के लिए। मैनेवर का मतलब होता है चेंज, यानी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने अब नहीं बचा मे के आंकड़ा को देखते हुए कि इसमें कुछ चेंजिंग लाया जा सकता है, कुछ सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, पहले आरबीआई के गवर्नर ने क्या कहा कि है स्कोप जिसमें कुछ करके अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रिलीफ ला सकते हैं, लेकिन जो मे का आंकड़ा है उससे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी स्कोप बच गया है इसको टैकल करने के लिए। क्लियर, दो द बैंक्स
मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हालांकि जो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आर्थिक नीति के जो निर्माण करने वाले कमेटी हैं, देखो भारत का अगर मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम बात करें, जो कमेटी की बात करें, तो ये आते रहता है एग्जाम में, इसको थोड़ा समझ लीजिए। इसमें 6 मेंबर्स की कमेटी होती है। जो पैनल होता है वो कितने मेंबर्स इसमें होते हैं? 6 मेंबर्स, जिसमें 3 आरबीआई से होते हैं, 3 मेंबर आते हैं आरबीआई से, और 3 मेंबर जो है गवर्नमेंट के द्वारा चुन करके भेजी जाती है। टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, जिसमें गवर्नर हो गए, डेप्यूटी गवर्नर हो गए, और एक अधिकारी ऑफिसर होता है, ठीक है। वहीं 3 ये भारत सरकार के द्वारा चुन करके भेजे जाते हैं, इस फील्ड के जो महारथी होते हैं उनके वो जाते हैं इसमें। साथ ही आरबीआई 4 बार अपनी बैठक करती है साल में, प्रत्येक तिमाही में बैठती है और चीज़ों को एवेल्युएट करती है, और इस जो भी एक्शन लेने होते हैं उस पर काम करती है। तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे थे, हाँ, तो हालांकि कोई स्कोप नहीं बचा था, लेकिन जो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मे नॉट स्विच अवे फ्रॉम इट्स डोविश पॉलिसी। अब देखिए दो चीज़ें यहाँ पे समझना है। पहली तो मे स्विच अवे, स्विच अवे का मतलब क्या? अपने आप को किनारा कर लेना। तो जो कमेटी है वो अपने आप को किनारा नहीं कर सकते हैं, किससे? डोविश पॉलिसी से। अब डोविश पॉलिसी क्या होता है भाई? दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होता है डोविश जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक पॉलिसी होती है जिसको बोलते हैं हॉकिश, HAWKISH, हॉकिश पॉलिसी, ठीक है। अब दोनों में अंतर समझिए क्या होता है। अगर हम लोग बोलते हैं डोविश पॉलिसी, तो किसको एडवोकेट करता है? एडवोकेट करना का मतलब क्या होता है? सिफारिश करता है। ये कहता है कि आप अगर कंट्रोल करना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट में कमी करो, इंटरेस्ट में क्या करो? कमी करो। तो ऐसी पॉलिसी जो इस बात को सपोर्ट करता है, किस बात को? कि इंटरेस्ट रेट में कमी हो, वो कहलाता है डोविश पॉलिसी। और हॉकिश पॉलिसी इसके विपरीत ये एडवोकेट करता है, सिफारिश करता है कि इंटरेस्ट रेट है उसमें क्या हो? वृद्धि हो, इंक्रीज हो। तो जो इंक्रीज को सपोर्ट करता है हॉकिश पॉलिसी कहलाता है, जो डिक्रीज को या फिर कट को सपोर्ट करेगा इंटरेस्ट रेट में, वो होता है डोविश पॉलिसी, ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो दो द बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हालांकि जो बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मे नॉट स्विच अवे, अपने आप को उससे स्विच अवे नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है, किस चीज़ से? फ्रॉम डोविश, इट्स डोविश पॉलिसी, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करने की जो पॉलिसी है। नो फर्दर ईजिंग ऑफ इंटरेस्ट, अब कह रहा है कि आगे ईज करना का मतलब कमी करना, आगे जो है इंटरेस्ट में कमी रेट नहीं हो पाएगी, कैन बी एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस लेवल। अब ऐसा आशा की जाती है कि इस प्राइस लेवल में कि इंटरेस्ट में कमी नहीं की जाएगी, ऐसा आशा किया जा सकता है। मोस्ट इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू रिमेन हायर दैन द एवरेज 5.1% एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल बैंक फॉर दिस ईयर। ज़्यादातर जो अर्थशास्त्री हैं वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन जो महंगाई रहेगी इस बार हायर दैन द एवरेज 5.1, यानी 5.1 से ज़्यादा रहेगी, 5.1 से कम नहीं रहेगी। ये 5.1 जो था वो एस्टिमेट किया गया था, अनुमान लगाया गया था सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है उसके द्वारा इस साल के लिए, यानी इस साल के लिए महंगाई का दर की अनुमान लगाई गई थी 5.1%, लेकिन आशा है, ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स द आरबीआई टू परसिस्ट विथ इट्स एकोमोडेटिव अप्रोच, अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई से कि आरबीआई कंटिन्यू रहे, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू रहे अपने एकोमोडेटिव, मतलब जो जिसके साथ एग्रीएबल, जिसमें सहमत की हो सके, ऐसा अप्रोच। टू फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू राहत पहुंचाना, ग्रोथ, ग्रोथ में थोड़ा सा राहत पहुंचाने में। इट मस्ट टेक सम एक्शंस ऑफ इट्स ऑन, तब इसे क्या करना चाहिए? अब खुद से इसे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। टू कर्व प्राइस राइज, कर्व का मतलब होता है कंट्रोल, प्राइस राइज मतलब होता है प्राइस में जो वृद्धि हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को खुद से कुछ एक्शन लेने, सरकार को खुद से कुछ एक्शन लेना चाहिए, इंक्लूडिंग मीनिंगफुल कट्स इन फ्यूल टैक्सेस। फिर से समझते हैं, अगर सरकार चाहती है कि आरबीआई अपने एकोमोडेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, ठीक है, तो इसको खुद से कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे, यानी सरकार को खुद से एक्शन लेने पड़ेंगे।
इंक्लूडिंग उसमें क्या शामिल है, मीनिंगफुल कट्स इन फ्यूल टैक्सेस, जो फ्यूल में जो टैक्स लगा रहे हो ना भारी भरकम, उसमें कुछ कटौती करें। दैट द आरबीआई गवर्नर हैज़ बीन एडवोकेटिंग सिंस फरवरी, जो कि आरबीआई के गवर्नर फरवरी मंथ से ही इसकी सिफारिश कर रहे हैं कि इसमें कुछ कमी लाया जाए। सो फार अभी तक इट हैज़ ओनली ऑफस्केटेड द इशू, ये अभी तक केवल आश्चर्यचकित किया है इस इशू को, विथ आर्ग्यूमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम द स्टेट शुड कट टैक्सेस फर्स्ट। और आर्ग्यूमेंट कहाँ से शुरू हो जा रहा है कि पहले कहा जा रहा है कि पहले स्टेट को अपने टैक्स में कमी करना चाहिए। टू लेट्स ब्रिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट अंडर GST, और सो चलो जो है पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ लाओ, GST के अंतर्गत लाओ। एंड द लेटेस्ट क्लेम बाय पेट्रोलियम मिनिस्टर, हाल फिलहाल में एक दावा किया गया है पेट्रोलियम मिनिस्टर के द्वारा, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान उनका नाम है, हु एडमिटेड, जिसने कबूल किया दैट द प्राइसेज आर प्रॉब्लमेटिक, प्राइसेज हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, बट लेकिन द गवर्नमेंट इज सेविंग मनी टू स्पेंड ऑन वेलफेयर स्कीम्स, लेकिन जो सरकार इससे पैसा बचा रही है या कमा रही है वो कहाँ स्पेंड कर रही है, लोक हित में इसका यूज़ कर रही है, वेलफेयर के लिए स्कीम्स में काम कर रही है, एंड बाइंग वैक्सीन्स, और इसके मदद से ही वैक्सीन्स को खरीदे जा रहे हैं। फॉर अ पॉपुलेशन ऑलरेडी रेलिंग फ्रॉम जॉब, वैसा पॉपुलेशन जो पहले ही जॉब के अभाव में कराह रहा हो, एंड इनकम लॉसेस, और इनकम के भारी मात्रा में लॉसेस हुए हैं, एंड हायर मेडिकल कॉस्ट्स, और ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, सिंस द पेंडेमिक्स ऑनसेट, जब से पेंडेमिक ऑनसेट हुआ है, ऑनसेट का मतलब शुरू हुआ है, द परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन इज अनटेनेबल, जो परसिस्टेंटली का मतलब कंटिन्यूसली, लगातार जो हाई इन्फ्लेशन, बढ़ता हुआ महंगाई, उचली स्तर पर पहुंचा हुआ महंगाई इज अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। नो वेलफेयर स्कीम कैन ऑफसेट इट्स डिस प्रोपोर्शनेटली एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर। नो वेलफेयर स्कीम, कोई भी ऐसा वेलफेयर स्कीम नहीं है जो ऑफसेट कर सकता है एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द पुअर, यानी जो पुअर पे, गरीब पे अनुपातिक हीन तरीके से, डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है अनुपातिक रूप से, और डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है गैर अनुपातिक रूप से, यानी इस लाइन का मतलब अगर समझे कि सरकार की कोई भी ऐसी वेलफेयर स्कीम नहीं है जो कि पुअर पे पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को क्या कर सकता है, ऑफसेट कर सकता है, मतलब ख़त्म कर सकता है। क्लियर, तो इस तरह से आज के एडिटोरियल में हम लोगों ने पढ़ा और समझा कि हमारा जो इकोनॉमी है कैसे वर्स्ट कंडीशन में चला जा रहा है, और महंगाई की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।